जी वेलकम टू यू मिस कबीर जी. थैंक यू मैन. हाउ इज इट? द मैन विद लेगेसी, द मैन विद मल्टीपल नेम्स, द मैन हु मिसेस INH इन हिज नेम. बहुत सारे क्वेश्चन है पाजी, पहली मुलाकात है. आई शुड टेल यू, ये जो खबी सीट है, दिस हैज टू बी एज ऑनेस्ट एंड कैंडिड जितना आप रह सकते हो, है ना? गॉट इट. तो शुरुआत इसी से करते हैं. सबसे पहले कृष्णा, INH मिसिंग. तो कृष्णा कॉल, पहली बात तो आई थिंक ये पहला शख्स मुझे मिल रहा है इस जॉनर ऑफ म्यूजिक से जिसने अपना रियल नाम भी, अपना स्टेज नाम भी रखा है. बट फिर वो स्पेल, दो वर्ड अल्फाबेट उड़ा दिया आपने. वो दो अल्फाबेट मैंने थोड़ा सा यूनिकनेस के लिए किया था, बिकॉज आई थॉट के KRISHNA रखूंगा, एक थोड़ा बड़ा भी है, एंड If I ever go international, it'll be easier to pronounce KRSNA. Cool लगता है. हाँ. थोड़ा सा story, curiosity वाली बात होती है कि अरे ऐसा क्या नाम है इसमें. हाँ, but फिर जब मैंने रखा तो मेरे को उसके बाद लगा कि और भी लोग हैं जिनके ये नाम है. There are other people. There are some designers. I think there's a playback singer, same name. इसलिए मैंने फिर वो डॉलर साइन डाल दिया उसमें. Yes. तो अगर मैं इस योनर या इस इंडस्ट्री से नहीं होता, मुझे लगता पक्का ये न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले होंगे. उसने कहा होगा तेरे को सक्सेस चाहिए, तू आई हटा दे, ऐसे कर दे, फर्क पड़ता नहीं, वैसे भी स्पेल सही रहता है. नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे ही था. सो जस्ट ऐसे. बट द नेम स्टोरी इज नॉट जस्ट वंस, इट गोज बैक इन टाइम ऑल्सो. 2000s, यंग प्रोस्पेक्ट, वहां से शुरू करें हम. दैट वॉज माई ओरिजिनल नेम. कितने साल के थे, क्या आता है उस वक्त दिमाग में जब आप अपना खुद ऐसे अपना नामकरण फिर से करते हो टाइप्स? What was that time in life? जब फिर से करते हो, as in like when I put young prospect. एक नाम तो बाबा ने दिया होता है. Government name. हाँ, government name होता है जो सब papers और documents पे होता है. फिर आपको लगता है नहीं यार ये cool नहीं है. हाँ, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे नाम रखे थे, but मेरे को लगता है young prospect just made sense. What was your age that back in the day? जब young prospect रखा था नाम, must have been 15. अच्छा, दाढ़ी आ गई थी थोड़ी 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 थोड़ी, पर तब कूल ऐसा लगता है कि ऐसे ही हुक में कूल हो सकता हूं ना. हाँ नहीं, बट ऑल्सो के रैप में हमेशा होता है, रैप में हमेशा एलियस या दूसरा एक नाम तो होता ही था ना. तो इट वाज लाइक ग्रोइंग अप, इट वाज लाइक एक दूसरा नाम तो होना चाहिए जो आर्टिस्टिक नेम हो. बस लड़कियों को कृष्णा हॉट लगता है. मैं तो जब मैंने बताया दो तीन में, फिर कृष्णा बड़ा हॉट नाम है, बंदा तो है, बट द नेम इज आल्सो वेरी हॉट. इज इट? या okay. Without the INH also. But young prospect, क्यों? और prospect में भी आपने सीधा prospect नहीं लिखा, उसमें भी पंगे लिए आपने. PROZPKT. क्यों? अरे वो तो करना ही होता है ना. That's the essence of hip hop. कि भाई कुछ सीधा मत करो. Right? You have to put your own touch to it. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया. Also ये normal spelling डाल के तो then you are competing with the actual word ना. On Wikipedia and on Google. तो थोड़ा सा change. सोच जाती है इंसान की उस वक्त. और क्या? कह रहे अलग से नाम बनाऊंगा तो. बिल्कुल. Superb. There's a little segment that we do on the show, which is called the clap challenge. It is, I mean, you don't have the guitar, हमारी unfortunate for us, but you'll just hum your songs. अच्छा. And as soon as I make ताली बजाता हूँ, to your second song, to your third song, to your fourth song. So it's like a mini concert that we have for everyone who's watching this. The clap challenge featuring the one and only, the possibly the cutest voice that we have in the industry, Jasleen. Let's see कि कितनी बार You can move. अब कोई भी गाना ना, कोई भी अपना गाना, अपना जब भी ताली बजे तभी आप शिफ्ट करोगे. Let's do. Let's start with दस्तूर, if we can. Yeah. ठीक है. अच्छा उन्होंने पहले अपने माइंड में ना. हाँ मैं सोच लिया ना. No no. Let's start with दस्तूर again. One two. Let's go. किस कम दे दस्तूर बनाए सजना हो या दूर विहाय अखियां रो रो चूर हो जाए दिन शगना दा चढ़े आओ सखियों खो गए हम कहाँ रंगों साए जहाँ खो गए रातें तेरे सिरहाने बुरे सपनों के बहाने नित नित तेरे उत्ते निंदरा उड़ाइया अंबरा तो बच्चे तारे देने के गवाइया दिल दुखा के मेरा तू ते जो जो मैं जानती ये प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती नच देने सारे रल मिल के आज सुपर 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 सारे गाने याद है, सारे लिरिक्स याद है. सुपर 10/10. कभी ऐसा हुआ आप लिरिक्स भूल गए अपने शो पे? हाँ. लॉकडाउन लग गया था, फिर कुछ करने को था ही नहीं, फिर
ऐसी बहुत बोरिंग लाइफ थी, एक तो लॉकडाउन की कुछ हो नहीं रहा था, मैं अपने गांव चला गया था भाई दबे, गांव में बढ़िया थोड़ा जी लग रहा था। फिर उसके बाद हसल आया दोबारा, तो हसल के ऑडिशन दे दिए दोबारा, मुझे पता नहीं था हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पर उनने फिर दिल्ली ऑडिशन में बुला लिया, दिल्ली ऑडिशन के बाद उन्होंने मुंबई बुला लिया और हो गया मतलब। पर घर पे बता के गए थे मुंबई जा रहे हो? नहीं, मैंने जब तक नहीं बताया था घर पे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने मतलब दिल्ली में भी जब मेरा हो गया था तो उनने मेरे को थोड़ी ऐसी आ गई थी पॉजिटिव वाइब्स कि हाँ मुंबई बुला सकते हो मेरे को, क्योंकि उन्होंने मेरे को मेरा पीआई वगैरह ले लिया था, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह। अच्छा, पता चल जाता है, तो मेरे को मुझ पे फोकस ज्यादा हो रहा है, तो मेरे को थोड़ी सी ना ऐसी फीलिंग आ गई थी शायद है, पॉजिटिव है। तो फिर मैंने जब एक दिन मेरे को कॉल आया कि आपकी टिकट मैं भेज रहा हूँ ट्रेन की, मुंबई आ जाओ, आपकी 2-3 दिन बाद की वो है ट्रेन है। मैं कहा ठीक है भेज दो। मैं कहा ठीक है, मैं और मेरा दोस्त हिमांशु, हम अगले दिन मैंने कहा लाजपत नगर से सस्ते कपड़े खरीदते बढ़िया बढ़िया से मुंबई जा रहा भाई पहली बार मुंबई जाने वाला था, अब कपड़े खरीद के आ गया और कपड़े खरीद ले आया। उस शाम को फोन आता है कि भाई अभी रुक जाओ, होल्ड पे है आपका खर्चा। मैंने कहा यहाँ तो खर्चा कर दिया भाई यार, तुम तो बड़ी वो करते हो। और मैंने कर दिया उस बंदे को परेशान, मैंने कहा भाई कुछ हुआ? मैं हर 1-2 घंटे बाद मैंने कहा भाई कुछ हुआ? वो खुद परेशान हो गया, करो क्या करो, शायद इसी चक्कर में बुला कह रहे वो तो नहीं। पर एंड टाइम पे मतलब जस्ट एक दिन पहले, मतलब कल मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट है, शाम को मेरे को फ्लाइट नहीं भेजी ट्रेन है, वो मेरे को शाम को कॉल आता है कि आपकी ना ट्रेन है कल सुबह की। मैंने कहा ठीक है पहुंच जाऊंगा। मैं कहा ठीक है पर बोल दो आप कहाँ पहुंचना है, मैं कहा भागा भागा आ जाऊंगा तो मुंबई। अच्छा, तो आप हसल के लिए ट्रेन पे गए? हाँ, ट्रेन से गया था मैं। अच्छा, निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ी अपना, उतरा वहाँ पे अपना शिवाजी महाराज का वो है ना अपना क्या बोलते हैं उसको, रेलवे स्टेशन है जो, वहाँ पे उतरा, वहाँ से पहुंचा। पहली बार मैं मुंबई देख रहा था बाय द वे, तो मैंने कहा अच्छा ये है मुंबई। मुंबई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया पहली बार में ही, यार मुंबई में जी नहीं लगता। एक तो मुंबई की मुंबई में ना एक ना अजीब सी खुशबू कह लो या स्मेल कह लो वो है जो मेरे को पसंद नहीं आई कभी।